हाय एवरीवन, डंकी फ्लैट्स डंकी रोड्स आज का हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक चर्चा में क्यों है, सिलेबस से क्या रिलेटेड चीज़ें निकलती हैं, यहाँ से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले दो वर्ड समझते हैं। वो वर्ड है हमारे पास रिफ्यूजी और इमिग्रेंट्स। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, देखते हैं। जैसे म्यांमार में रोहिंग्या का इशू चल रहा है, मतलब कि अभी म्यांमार में क्या है, इंस्टेबिलिटी है। उस इंस्टेबिलिटी को देखते हुए म्यांमार के लोग शिफ्ट हो रहे हैं किसी अदर कंट्री में। इंडिया में सबसे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब वो किसी और कंट्री में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। विच मीन्स कि म्यांमार के कंडीशन को देख करके वहाँ से किसी और कंट्री में सेटल होना, वहाँ के लोगों का किसी और कंट्री में माइग्रेट होना, उसे हम बोलते हैं रिफ्यूजी। और बेसिकली रिफ्यूजी पुश फैक्टर पे काम करता है कि भाई हमारे कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम किसी और कंट्री में बेटर लाइफ के लिए सेटल होना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट सीधा अपोजिट होता है, जो कि पुल फैक्टर पर काम करता है। पुल फैक्टर मतलब, ध्यान से समझते हैं। फॉर सपोज कोई एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन जो कि इंडिया में रहता है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ, अगर मैं इंडिया छोड़ करके फॉर सपोज यूएसए और कनाडा में शिफ्ट हो जाता हूँ, इंडिया में मेरी लाइफ तो ठीक चल रही है, लेकिन अगर मैं यूएसए या कनाडा में शिफ्ट हो जाता हूँ तो मेरी लाइफ और बेटर हो जाएगी। मतलब वहाँ की लाइफ, वहाँ की जॉब सिक्योरिटी वगैरह उसको वहाँ पर पुल कर रही है, खींच रही है। इसीलिए जो इमिग्रेंट्स होता है वो पुल फैक्टर पे काम करता है। तो रोहिंग्यास पुश फैक्टर पे काम करता है और इमिग्रेंट पुल फैक्टर पे काम करता है। अब समझते हैं कि डंकी रूट्स क्या होते हैं और डंकी फ्लैट्स क्या होते हैं। रिसेंटली एक मूवी आई है शाहरुख खान की, बॉलीवुड की, डंकी। इसीलिए टॉपिक चर्चा में है। पंजाबी में एक एडम्स होता है, मतलब सिंपल डंकी का अगर मीनिंग देखें तो किसी एक जगह से या किसी एक कंट्री से, किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फास्ट मूवमेंट करना। अच्छा, ये फास्ट वर्ड बस नाम का है, कभी कभी इस मूवमेंट में, इस वे से माइग्रेट करने में 7 से 8 महीने या कभी 1 साल भी लग जाता है। मतलब सिंपल डंकी का मीनिंग होता है कि एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे मूव करना, मतलब इलीगली माइग्रेट होना, इलीगली किसी एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट होना, डेंजरस माइग्रेशन बोल सकते हैं इसको बिल्कुल ही। जैसे मान लीजिए कि इंडिया से किसी को यूएस में माइग्रेट होना हो, यूके में माइग्रेट होना, किसी यूरोपियन कंट्री में, कनाडा में माइग्रेट होना, बट इलीगली विदाउट वीजा, समझते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है डंकी फ्लैट। मान लीजिए कि एक्स पर्सन इंडिया में है और इसको माइग्रेट होना है और इसको जाना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब एक्स पर्सन को माइग्रेट होकर के अमेरिका में जाना है, लेकिन उसके पास वीजा नहीं है, तो कैसे माइग्रेट होना है होगा, मतलब सेटल डाउन होना चाह रहे हो अमेरिका में इलीगली, तो कैसे होगा। ये वहां जाएगा लेकिन एक एजेंट के थ्रू जाएगा। कैसे, अब एक्स पर्सन सपोज मान लीजिए कि इंडिया से चलता है और किसी अदर मिडल मैन के थ्रू, कोई मिडल मैन के थ्रू वो इलीगली माइग्रेट होने की कोशिश कर रहा है यूएस में, लेकिन वे कैसा है एक बार इसको देखते हैं। इंडिया से चला, इंडिया से जाने के बाद अब वो फॉर सपोज मान लीजिए कि वो ब्राज़ील तक आ गया, लेकिन वो खुद नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू आते हैं, ट्रैफिकर्स होते हैं, बीच बीच में वो ट्रैफिकर्स चेंज भी होते रहते हैं। फॉर सपोज किसी ट्रैफिकर्स के थ्रू वो मान लीजिए कि ब्राज़ील आ गया। अब यहाँ से
एक कंट्री है यहाँ पे कोलंबिया। कोलंबिया के पास एक चैनल है पनामा चैनल, और पनामा चैनल के पास यहाँ पे पनामा चैनल के पास एक गैप आता है, उस गैप को बोलते हैं डैरियन गैप। डैरियन गैप, डैरियन गैप बिल्कुल ही माउंटेनियस जंगल है। अब डैरियन गैप में बेसिकली ऐसा होता है कि मान लीजिए कि एक ये ऐसा जगह है जहाँ पे बिल्कुल ही क्राइम अनरिपोर्टेड होता है। मतलब कोई एक्स पर्सन अगर यहाँ पे किसी ट्रैफिकर्स के थ्रू आता है और उसका मर्डर भी हो जाता है, मर्डर का भी सामना करना पड़ता है। डैरियन गैप में वाटर की शॉर्टेज होती है, किसी विक्टिम के साथ रेप भी हो सकता है, लेकिन ये सारे जो क्राइम होते हैं वो अनरिपोर्टेड क्राइम होते हैं। मतलब कि इन क्राइम को आप रिपोर्ट नहीं करा सकते हैं। काफी खतरनाक इलाका है डैरियन गैप। अब इस डैरियन गैप को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक सेंटर आता है, दैट इज मैक्सिको को थोड़ा सा नीचे ग्वाटेमाला है। ग्वाटेमाला जो कि कह सकते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल कोऑर्डिनेशन सेंटर है। कोऑर्डिनेशन सेंटर विच मीन्स कि ट्रैफिकर्स को एक्सचेंज भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से चला तो ब्राज़ील में कोई और ट्रैफिकर है, यहाँ पे से जाने के बाद कोई ट्रैफिकर्स को एक्सचेंज कर देता है, मतलब कोई और एजेंट हो जाता है। मतलब कोऑर्डिनेशन सेंटर है ग्वाटेमाला के पास, और यहाँ के बाद चला फिर तो मैक्सिको। अब मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लगभग 3,500 की लंबी बाउंड्री लाइन है, जो फेंसिंग बनी हुई है। अब उसको क्रॉस करके यूएसए में जाना है। बेसिकली कैसे जाना है, सिस्टम के लूप होल का फायदा उठा करके जाना है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है कि कोई उसके कंट्री में एंटर कर रहा है, वहां पे जाना भी है, वर्क भी करना है, और फाइनली जाकर के बाद में सेटल भी होना है। तो इसको बोलते हैं हम डंकी फ्लैट्स। और इसको सेटल करवाने के लिए, मतलब इस प्रोसेस को जो भी फॉलो करवाते हैं ट्रैफिकर्स, उसमें एक काफ़ी अच्छा अमाउंट पे करना पड़ता है। सपोज मान लीजिए कि एक्स पर्सन को अब सेटल होना है यूएसए में, तो वो जिससे भी, जिस पर्सन से भी बात किया होगा, उस पर्सन को मान के चलिए कि 20 से 50 लाख 60 लाख 70 लाख तक का रुपए पे करता है ट्रैफिकर्स को, और फिर जा करके वो सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाते हैं, और सिस्टम के इसमें जान भी जाने का खतरा रहता है इसमें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है, लीगली आप जा नहीं रहे हैं, आपको जिस गैप को पार करते हैं इस रूट में, जिस गैप को पार करते हैं दैट इज डैरियन गैप, यहाँ पे बिल्कुल ही इसमें कुछ भी हो इस गैप के बीच तो क्राइम बिल्कुल ही अनरिपोर्टेड क्राइम होता है। तो दिस इज कॉल्ड डंकी फ्लैट्स, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट होना, बट इलीगली माइग्रेट होना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लूप होल का फायदा उठाना, एंड देन सेटल होना। नाउ जैसा कि बताया मैंने, क्रॉसिंग पनामा फॉरेस्ट, डैरियन गैप एक्सेट्रा, लैक ऑफ क्लीन वाटर, वाइल्ड एनिमल का खतरा होता है, क्रिमिनल्स, गैंग रेप्स, रॉबरी एक्सेट्रा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।